उधर प्रदेश सरकार दावे कर रही है कि आने वाले समय में हर घर में नर्मदा जल पहुंच जाएगी, लेकिन प्रदेश के कई शासकीय विभागों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है। लंबे समय से बंद पड़े वाटर कूलर अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीने के पानी के 2 वाटर कूलर लगे हैं। उनमें नल पानी की जगह हवा उबल रहे हैं। आलम यह है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, बावजूद इसके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पानी की व्यवस्था ना होने के चलते लोग पीने के पानी के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस भीषण गर्मी में अपनी शिकायत लेकर आने वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो वह अपनी शिकायत से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं। कार्यालय में लगे वाटर कूलर से उन्हें पानी भी पीने को नसीब नहीं होता। बंद पड़े वाटर कूलर में पानी की व्यवस्था ना होने के चलते फरियादी प्यास बुझाने यहां वहां भटकते हैं। मजबूरन उन्हें पानी लेने या तो बाहर जाना पड़ता है या फिर खुद ही घर से व्यवस्था कर पानी लाना पड़ता है। जन सुनवाई में आए लोगों ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, कौन कैसी कैसी परेशानी से यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ पीने के पानी नहीं होने के चलते काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, अभी आप ये वाटर कूलर SP ऑफिस में पानी भर रहे थे, क्या हुआ? पानी नहीं है उसमें, प्यास तो लगी लेकिन पानी नहीं है उसमें। मौसम भी ऐसा, गर्मी बहुत है, पानी नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे पानी होना चाहिए? पानी रहनी चाहिए, जनता आ रही जा रही है भाई, गर्मी का टाइम है, सभी को ज़रूरत पड़ती है ना जी। पानी तो होना ही होना चाहिए, पता नहीं आदमी किस उससे आ रहा है और ज़रूरत है आदमी को ना जी। नाम गीता भाई पटेल। जबलपुर से आशीष वाधरे की रिपोर्ट।